वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने को क्या चीज़ पढ़नी है? अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनेटल एरिया के अंदर वेजाइना के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। वेजाइना की स्ट्रक्चर तक अपन ने क्या है पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको अपन क्या है डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया एंड वेजाइना। एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ एंड नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल एरिया और वेजाइना, इनके बारे में क्या है अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अपन क्या है इसको नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो जो अपनी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है? द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई इज दिस इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी। जो अपनी इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी है वो क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। और जो अपनी इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। और वो क्या है, अपनी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसकी क्या है ब्रांच होती है। एंड बाय एक्सटर्नल पुडेंडियल आर्टरी। और क्या है, एक्सटर्नल पुडेंडियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। और एक्सटर्नल पुडेंडियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल जो पुडेंडियल आर्टरी है वो क्या करती हैं, इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो अपनी इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। और जो अपनी पुडेंडियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? अपनी फीमोरल आर्टरी की क्या है ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज कौन करता है? जो ब्लड सप्लाई होती है उसके बाद क्या है उसका ड्रेनेज होता है। तो रिटर्न कौन लेके जाता है? लार्ज प्लेक्सिस विच इवेंचुअली ड्रेन इन टू द इंटरनल इलियक वेन। इंटरनल इलियक वेन के अंदर क्या है ये जो अपना वीनस ड्रेनेज की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो जो अपनी ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कौन करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल जो पुडेंडियल आर्टरी है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। और एक्सटर्नल पुडेंडियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज कौन कहाँ पे होता है? जो अपना इंटरनल इलियक जो वेन है वहां पे क्या है इसका वीनस ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कैसे होती है? तो जो अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ से होता है? सुपरफिशियल जो इन्वाइनल नोड्स है उनके द्वारा क्या है अपना जो लिम्फ ड्रेनेज है वो होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो अपना लिम्फ ड्रेनेज होता है, लिम्फ टिश्यू है, लिम्फ वेसल्स हैं, उनके द्वारा जब होता है तो उसके अंदर कौन करता है? जो अपनी सुपरफिशियल इन्वाइनल नोड्स जो है वो क्या करती हैं यहाँ पे अपनी जो लिम्फ ड्रेनेज करती हैं। नर्व सप्लाई जो पुडेंडियल नर्व है वो क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो किसके द्वारा होता है? सुपरफिशियल इन्वाइनल नोड्स के द्वारा होता है। और नर्व सप्लाई किसके द्वारा होती है? पुडेंडियल नर्व के द्वारा होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल पुडेंडियल आर्टरी है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। और जो पुडेंडियल नर्व है वही क्या करती है? अपनी नर्व सप्लाई करती है।
नेक्स्ट अपने आते हैं पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। जो पेरिनियम है वो क्या है? एरिया है, कहां से कहां तक का एक्सटेंडिंग? बेस फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। इट इज रफली ट्राइंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मसल्स एंड फैट। ये क्या है? अपना ट्राइंगुलर होता है, बनता किस किस से है? कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मसल्स एंड फैट, इनसे मिलके क्या है ये बनता है। ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, बनता किससे? कनेक्टिव टिश्यू से और मसल्स एंड फैट से मिलके क्या है ये बनता है। इट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। और ये क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है किसको? कहां से? मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उनको क्या है? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो पेरिनियम है वो कहां से कहां तक होता है? एक्सटेंडिंग एरिया है, कहां से कहां तक होता है? लिबिया माइनोरा से लेके एनल कैनाल तक का एरिया होता है। रफली ट्रायंगुलर शेप होता है, कनेक्टिव टिश्यू मसल्स फैट से मिलके बना होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उनको क्या है? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अपना है इंटरनल जेनाइटल एरिया। इंटरनल जेनाइटल एरिया जो है उसमें द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइज इन द पेल्विस कैविटी। जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और वो जो अपने पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं उन सबसे मिलकर क्या है अपना इंटरनल जेनाइटल एरिया बनता है। सबसे पहला क्या अपना इसके अंदर वेजाइना प्रेजेंट होती है, यूट्रस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर दो यूट्राइन ट्यूब प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल जेनिटल एरिया जो है वो क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं पेल्विस कैविटी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनसे मिलके बनता है। इनके अंदर क्या है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जिससे बनता है? वेजाइना प्रेजेंट होती है, यूट्रस प्रेजेंट होता है, यूट्राइन ट्यूब प्रेजेंट होती है और ओवरीज प्रेजेंट होती है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं पेल्विस के अंदर, जो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसका क्या है ये डायग्राम है। रोड लिगामेंट दिखाए गए हैं, ओवरियन लिगामेंट दिखाए गए, स्थमस प्रेजेंट है, फंडस ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है, एम्पुला प्रेजेंट है, राउंड लिगामेंट है, बॉडी ऑफ यूट्रस है, सर्विक्स है, ओवरी है, वेजाइनिंग शो दिखाई गई है, सर्विक्स दिखाया गया है।
देन आफ्टर क्या है, लेटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको लेटरल व्यू के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, पेल्विस और जो उसकी अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है उनके क्या है शो किया गया है। तो पेरिटोनियम दिखाया गया है इसमें, यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है, ओवरी प्रेजेंट है, यूट्रस है, हाउस दिखाए गए हैं, एंटीरियर फोर्निक्स दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, प्यूबिक बोन है, क्लाइटोरियस है, लीबिया माइनोरा है, लीबिया मेजोरा है, सेक्रम है, पाउच ऑफ डोगल्स है, पोस्टीरियर फोरेंस ऑफ वेजाइना प्रेजेंट है, सर्विक्स प्रेजेंट है, रेक्टम प्रेजेंट है और वेजाइना प्रेजेंट है। तो लेटरल व्यू जो है अपना किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसके साथ क्या है पेल्विस के अंदर और उसके साथ कौन से स्ट्रक्चर हैं वो इस डायग्राम के अंदर क्या है शो की गई है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। द वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, लाइन विद सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। लाइन विद किसके साथ होती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के साथ, कनेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन। और किससे कनेक्ट होती है, जो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन है उन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। इट रन ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट द एंगल अबाउट 45 बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। द रन ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट द एंगल ऑफ अबाउट 45 का क्या इसका एंगल होता है, बिटवीन द ब्लैडर इन द फ्रंट ऑफ फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। इन द एडल्ट एंटीरियर वॉल इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर जो है इसकी साइज कितनी होती है, एंटीरियर वॉल की 7.5 सेंटीमीटर होती है या 3 इंच होती है, लॉन्ग होती है। पोस्टीरियर वॉल की अगर अपन बात करें तो वहां पे 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। डिफरेंस इज ड्यू टू एंगल ऑफ इंसर्जन ऑफ द सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वॉल। जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है, एंगल ऑफ इंसर्जन ऑफ सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल से क्या है, जो सर्विक्स के अंदर इंसर्जन के जो है उसकी वजह से क्या इसके डिफरेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना, स्ट्रक्चर क्या है। द वेजाइना हैज 3 लेयर, इसके अंदर क्या है 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। द आउटर कवरिंग इज एल्बो टिश्यू। जो आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है, एल्बो टिश्यू की होती है। मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, जो मिडिल लेयर है वो किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की होती है। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है, सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की होती है। इट हैज नो सेक्रेटरी ग्लैंड बट द सर्फेस इज केप्ट मोस्ट बाय द सर्वाइकल सिक्रेशन। यहाँ पे कोई भी सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, बट यहाँ पे क्या है सर्वाइकल सिक्रेशन के द्वारा क्या है मोस्ट प्रेजेंट रहता है हमेशा। बिटवीन प्यूबर्टी एंड द मेनोपॉज लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट। प्यूबर्टी के दौरान यहाँ पे क्या है लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। विच सीक्रेट लैक्टिक एसिड, वो क्या करते हैं लैक्टिक एसिड सीक्रेट करते हैं। और क्या करता है लैक्टिक एसिड, क्या करेगा पीएच मेंटेन करेगा, कितना 4.9 से लेकर 3.5 तक का जो पीएच है उसको क्या है वो मेंटेन करेंगे।
एसिडिटी इन वाट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट अदर माइक्रोब्स दे में एंटर द वेजेना फ्रॉम द पेरिनियम। वेजेना की जो लेयर है वो कितने लेयर में डिवाइडेड होती है? तीन लेयर होती है उसके अंदर। सबसे पहले क्या है, जो अपनी आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? एल्वियोलर टिश्यू की होती है। देन आफ्टर जो अपनी मिडिल लेयर होती है वो किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की होती है। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इसके अंदर कोई भी सेक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती जो सिक्रेशन करती है, बट यहाँ पे सर्वाइकल सिक्रेशन के द्वारा क्या है, यहाँ पे ऑलवेज मोस्ट प्रेजेंट होती है। प्यूबर्टी के दौरान यहाँ पे लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। किसका? लैक्टिक एसिड का। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। पीएच कितना होना चाहिए? 4.9 से लेकर 3.5 तक का यहाँ पे पीएच होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ब्लड सप्लाई। द आर्टेरियल सप्लाई एंड आर्टेरियल प्लेक्सिस इज फॉर्म राउंड द वेजाइना डिराइव फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरीज विच ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो वेजाइना को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन करता है? यूट्राइन। और जो अपनी वेजाइनल आर्टरी है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। और जो वेजाइनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है? अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें तो वीनस ड्रेनेज कौन करता है? वीनस प्लेक्सिस इज सिचुएटेड इन द मस्कुलर वॉल ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक वेन। इंटरनल इलियक वेन के द्वारा क्या है, वीनस ड्रेनेज होता है। और जो वेजाइनल आर्टरी जो है, यूट्राइन और जो वेजाइनल आर्टरी है वो मिलके क्या करती है, अपनी ब्लड सप्लाई करती है। वो किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। वीनस ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली ड्रेनेज होता है। किसके अंदर? इंटरनल इलियक वेन के अंदर क्या है, जो अपना ब्लड है वो डायरेक्टली ड्रेनेज होता है। लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है? लिम्फ ड्रेनेज जो अपनी सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड है उनके द्वारा क्या है, यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज होता है। और नर्व सप्लाई है वो क्या होती है, जो नर्व सप्लाई दिस कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फाइबर फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो, सिंपेथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो एंड सोमेटिक सेंसरी फाइबर फ्रॉम द पुडेंडल नर्व। जो अपनी लिम्फ ड्रेनेज है वो कौन करता है, सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, अपना यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज करती हैं। जो नर्व सप्लाई है वो कैसे कैसे होता है, पैरासिम्पेथेटिक होता है तो वहाँ पे क्या है, सेक्रल आउटफ्लो होता है। सिंपेथेटिक होता है तो वहाँ पे क्या है, लंबर आउटफ्लो होता है। और सोमेटिक सेंसरी होता है, वहाँ पे क्या है, पुडेंडल नर्व होती है वो क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। तो नर्व सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें है, इसमें पैरासिम्पेथेटिक फाइबर है उनके द्वारा होती है, उनसे क्या होता है, सेक्रल आउटफ्लो होता है। सिंपेथेटिक से क्या होता है, लंबर आउटफ्लो होता है। सोमेटिक सेंसरी से क्या होता है, सोमेटिक सेंसरी जो फाइबर्स हैं उनके द्वारा क्या होता है, पुडेंडल नर्व जो होती है वो क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द वेजाइना. द वेजाइना एक्ट एज द रिसिपिटेट फॉर द पेनिस ड्यूरिंग क्लोइटस एंड प्रोवाइडिंग एन इलास्टिक पासवे थ्रू विच द बेबी पास ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जो वेजाइना है वो क्या करती है, रिसीवर का काम करती है. ठीक है, किससे, पेनिस से रिसीविंग करती है, और जब बेबी जब बर्थ करता है तो क्या उसको पास अवे करती है, यानी कि उसको बाहर निकालती है चाइल्ड बर्थ के दौरान. तो फंक्शन क्या क्या है वेजाइना के, एक तो पेनिस से क्या है वो जो भी रिसीवर है किसकी, पेनिस की रिसीवर है, और जब चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बेबी पास होता है तो उसके अंदर क्या है वो इलास्टिक पासवे प्रोवाइड कराती है. देन आफ्टर अपनाता है यूट्रस. यूट्रस क्या है, यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, पियर शेप का ऑर्गन है. ठीक है, फ्लैटेंड एंटीरियर पोस्टीरियरली. इट लाइज इन द पेल्विस कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विस कैविटी के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. जो अपने यूरिनरी ब्लैडर है वहां से और रेक्टम के बीच के अंदर क्या है ये प्रेजेंट होता है. In most women, it lies forward and it bent forward almost at right angle to the vagina, so that its anterior wall rests partly against the bladder below and forming the vestouterine pouch between the two organs. In most women, अधिकतर women के अंदर क्या है, it lies forward and it bent forward. Almost at right angle to the vagina, so that is anterior wall rest partly against the bladder below and forming the vestibulotrine pouch between the two organs. दो organ के बीच में क्या है यहाँ पे जो अपने vestibulotrine pouch है वो क्या है बनती है. When the body is in the upright position, the uterus lies in the almost horizontal position. जब अपनी body है वो क्या है upright position के अंदर होती है, उस time पे जो अपना uterus है वो कहाँ किस position में होता है, horizontal position के अंदर present होता है हमेशा. It is about 7.5 cm long. इसकी जो length है वो लगभग कितनी होती है, 7.5 cm क्या है long होती है, 5 cm क्या है wide होती है, और 2.5 cm की क्या है थिकनेस होती है, और 30 से 40 ग्राम क्या है वेट होता है. तो यूट्रस है वो क्या है
जब अपनी बॉडी है वो अपराइट पोजीशन में होती है उस दौरान क्या होता है, जो अपना यूट्रस है वो किस पोजीशन में होता है, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल पोजीशन के अंदर होता है, और उस दौरान इसकी जो साइज है वो कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, 30 से 40 ग्राम क्या इसका वेट होता है। नेक्स्ट अपना है पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के पार्ट कौन से हैं? यूट्रस के अंदर तीन पार्ट होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होती है और सर्विक्स होता है। यूट्रस जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसके तीन पार्ट जो है उन कौन से हैं, फंडस है, बॉडी है, सर्विक्स है। इन पे क्या अपन अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर क्या अपन डिस्कस करेंगे, जो अपना अगला लेक्चर है उसके अंदर अपन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे, जो अपना यूट्रस है उसके जो पार्ट है फंडस, बॉडी और सर्विक्स है, उन पे क्या अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।